हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीएनपी व्लॉग्स। आई एम पायल फ्रॉम गुजरात एंड हमारी इस यूट्यूब चैनल पे मैं गुजराती कल्चर, गुजराती फूड रेसिपीज, होम डेकोर एंड ट्रैवल के वीडियो शेयर करती हूँ और उसके साथ साथ मैं एक मदर भी हूँ। तो जैसे नॉर्मली इंडियन मॉम्स का जो भी डेली रूटीन्स होता है, जो भी घर को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, ये सारे वीडियोज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको हमारे चैनल के थोड़े से भी कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। तो सुबह सुबह मेरी शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक से। हमारे घर के ही सामने चौपाटी है तो मैं यहाँ पे डेली आधे घंटे की वॉक के लिए आती हूँ। पहले 8 बजे मैं आती थी तो इतनी धूप नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा मौसम में चेंज हो रहा है वैसे वैसे 8 बजे के करीब, 8:30 बजे, अभी सुबह 8:30 बजे है, बट अभी बहुत धूप लग रही है तो मैंने करीब आधे घंटे इतना वॉक कर लिया और अब मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी और बस ये खूबसूरत नज़ारा एंजॉय करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी। घर एकदम सामने ही है तो अच्छा रहता है कि अगर डेली हमें यहाँ पे दिन में 5 बार भी आना हो ना तो इतना सोचना नहीं पड़ता। और बस चलिए अभी खूबसूरत नज़ारा मैं एंजॉय करती हूँ, उसके बाद घर जाऊँगी। और वैसे भी घर जाके फटाफट सारे काम ही निपटाने हैं तो चलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ के आराम से थोड़ा सा मन को शांत करती हूँ, उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं यहाँ पर वॉक करने के बाद 15-20 मिनट तो ऐसे ही बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए छोटी छोटी बोट्स है, ये जा रही है अभी फ़िशिंग के लिए। अभी बारिश का मौसम था तो फिशिंग बंद हो गया था, बट अभी पिछले 15 दिनों से ये फिर से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सारी बोट्स है वो निकलती है और ये छोटी छोटी जो बोट्स होती है वो रात तक तो वापस भी आ जाती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद नहा लिया था, पूजा कर ली थी और मशीन में कपड़े डाल के ही मैं गई थी। प्राण को नीचे वैन में छोड़ने जाती हूँ और उसके बाद ही सीधा वॉक के लिए सामने निकल जाती हूँ। तो कपड़े यहाँ पे मैंने अच्छे से मेरे धुल गए थे तो धूप भी अच्छी आई थी, तो मैंने कहा कि पहले कपड़े सुखाने का काम निपटा देते हैं, क्योंकि अभी इस मौसम में ना धूप आना ही बड़ी बात हो जाती है। तो बस सारे कपड़े मैंने यहाँ पर बालकनी में डाल दिए है। और यहाँ पे मेरा जो टॉवल और ये तोहर है ये मैं सुबह बाहर सुखा के ही गई थी तो ये सूख गए हैं तो मैंने अंदर ले लिए हैं। और ये सब जो भी हम बेडशीट्स वगैरह है वो तो हम धो लेते हैं, बट जो हम लोग ओढ़ते हैं जैसे दोहर है ब्लैंकेट से, तो वो हम इतना फ्रिक्वेंटली धोते नहीं है, तो उसको धूप देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 दिन के बाद तुरंत ही मैं उसे धोती नहीं हूँ, तो धूप में तो जब भी धूप निकलती है मैं उसे सुखा देती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही थी बस अपनी नॉर्मली स्किन केयर, मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ सुबह सुबह, और बस अपने बाल बना दिए थे और मैं हो गई हूँ रेडी। कुछ डाइट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज से मैंने किया है फिर से डाइटिंग शुरू। तो यहाँ पे दूसरे जो भी सारे कपड़े पेंडिंग पड़े थे वो डालने के लिए, आज धूप निकली थी तो मैंने सोचा कि पॉसिबल हो उतने सारे कपड़े मैं धो दूंगी आज ना, सारे कपड़े धो दूंगी क्योंकि मौसम है ना वो कभी भी मतलब ऐसा हो जाता है कि बारिश आ जाती है, और तो आज सोच रही हूँ कि एक साथ सब कपड़े धो देती हूँ, ऐसा होगा तो मैंने रूम में दोरी लगाई है ना तो रूम में बाकी के कपड़े सुखा दूंगी। बट अभी ये बेडशीट वगैरह है ये मैं बाद में करूँगी, ये छोटे छोटे कपड़े हैं उसका एक मैं अभी राउंड लगा देती हूँ। तो
ये बहुत अच्छा है, ये देखो, ये इतना एंटी स्लीप है ना, देखो पैर से भी फिसल ही नहीं रहा है, इधर इधर कुछ भी नहीं हो रहा है। आ गई थी मैं किचन में। एक बार किचन में घुस जाते हैं ना, फिर किचन में से फ्री होने का मुझे लगता है टाइम ही नहीं मिलता, तो सारी चीज़ें हमें पहले से ही मैनेज करती करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं वैसे तो सारी सब्जियाँ हैं वो एक साथ ही लेके आती हूँ। अब यहाँ पे सुबह सुबह जैसे मेरी मासी आई थी काम करने के लिए, तो बीच बीच में मैं उसे नहीं आती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के मैंने ये जो चूरा फली है वो कट कर ली थी। और अभी बज गए हैं शायद 10:30 से 11 के आसपास का टाइम हुआ था। और जब भी डाइट करते हैं ना, तब मुझे लगता है कि ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि मन में बस वही विचार आते हैं कि आज क्या खाऊंगी, कैसे करूंगी। वैसे नॉर्मली खाने का इतना सोच नहीं आती कि क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, बट जैसे ही मैं डाइट शुरू करती हूँ तो मुझे बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि और कुछ नहीं पीना, मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो यहाँ पे गिरनार का जो ये कहवा आता है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मली वो जो कड़वी वाली ग्रीन टी है वो मैं नहीं पी सकती, बट ये भी ग्रीन टी ही में ही आता है, तो देसी कहवा जो आता है ये बहुत ही अच्छा आता है। और अभी मौसम भी सही होने लगा है कि ये कहवा है वो इतना गर्म भी नहीं लगता। तो इसके अंदर जो ब्लैक सॉल्ट है वो ऑलरेडी आता है, बट यहाँ पे ये जो छोटा वाला चाय का कप आता है उतनी इसकी क्वांटिटी में बना तो इसका जो टेस्ट है वो बैलेंस रहता है। मैं यहाँ पे बड़ा जो कप है वो बनाती हूँ पानी में डाल के। तो यहाँ ऊपर से मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा नींबू ऐड करती हूँ, तो इससे मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सच में बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है। तो जब भी इस तरह से डाइट करती हूँ तो दिन में ये 2-3 बार मैं पी लेती हूँ। इसे जो ब्रंच टाइम होता है उस टाइम पे मुझे बहुत भूख लगती है, तो उस टाइम पे मैं ये ज़रूर पीती हूँ। और शाम के टाइम पे 2 टाइम तो आप ज़रूर पीजिए जब भी आप डाइट करें तब। और यहाँ पे अभी थोड़ा मुझे टाइम रहता है अपने लिए, घर का मतलब सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे मैं मैनेज करूँगी, और नेक्स्ट जो घर के लिए क्या शॉपिंग करना है, क्योंकि इस टाइम पे प्रहान भी स्कूल चला जाता है, मासी भी काम करके चली गई है, लंच बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है। और यहाँ पे ग्रीन टी पीते पीते बस मैं सब जो भी पेंडिंग लिस्ट है काम का, और जो भी सारी शॉपिंग का लिस्ट है बाहर से क्या क्या लाना है, और ये पूरा वीक क्या बनाएंगे सब्ज़ी वगैरह, और साथ साथ में डाइट का भी मेनू देखना पड़ता है, क्योंकि घर में वैसे हम 3 लोग ही है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, बट सभी के लिए खाना अलग अलग ही बनता है। बस अभी यहाँ पे ग्रीन टी ख़त्म हो गई है, आ गई हूँ मैं फिर से किचन में। तो साइड में आप देखिए, तो छोटी सी कढ़ाई में मैंने प्रहान के लिए भिंडी बनाई है, वो ओनली हल्दी और नमक वाली ही भिंडी खाता है, तो उसके आने से पहले ही मैं सब्ज़ी बना के उसके लिए रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए बनाई थी ये चूरा फली की सब्ज़ी, उसके लिए मैंने तेल गरम किया है, उसमें राई डाली, थोड़ी हींग डाली, और ये ग्रीन वाली जो चूरा फली आती है वो ऐड कर दी है, और आधा टमाटर डाल के अच्छे से मैं उसे मिक्स कर दूँगी, और सारे बेसिक इंडियन मसाले मैं डाल दूंगी जिसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और नमक है। वैसे नॉर्मली गुजराती जो भी रेसिपीज़ होती है, जो भी सब्जियां बनती है, नॉर्मली हम लोग जो रूटीन में खाते हैं उसमें हम हल्दी, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर एंड नमक, ये 4 चीज़ें ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली 80% लोग रूटीन में मुझे लगता है कि गरम मसाला वगैरह बहुत अवॉइड करते हैं। तो बस यहाँ पे डाल दीजिए थोड़ा सा पानी इस तरह से, ये सब्ज़ी थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनेगी, तो पानी इस तरह से हिसाब से डालिए, और यहाँ पे 4 सीटी में इसको लगा दूंगी। और प्रहान की सब्ज़ी रेडी हो गई है, और प्रहान भी स्कूल से आ गया था, तो आने के बाद तुरंत ही उसको पीना था जूस। मेरे पास एक अनार पड़ा था, बहुत दिनों से कोई खा नहीं रहा था, बड़ा अनार था, तो प्रहान ने बोला मुझे जूस बना के दे दे, तो मैंने कहा चल ठीक है। बट ये जो जूस वाला मशीन था वो इतने दिनों से यूज़ नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से क्लीन करके बेड के अंदर रख दिया था, क्योंकि ये जनरली मैं जब ऑरेंज की सीज़न आती है तभी निकालती हूँ। तो बस चलिए अभी आ गई हूँ किचन में प्रहान के लिए जूस बनाने, और साथ साथ यहाँ पे सब्ज़ी भी बन रही है। Thank you.
और यहाँ पे बन गया था जूस ब्रांड का। और ये जो मशीन्स होते हैं ना वगैरह, ये बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो इसको अब जो भी हम जूस निकाले उसके तुरंत ही बाद वॉश करके इसको ड्राई कर लेना चाहिए। चलिए अभी यहाँ पे मैं कर ली है अपने डाइट फूड की तैयारी, तो आज मैं आपके साथ डाइट रेसिपी शेयर करूँगी और पॉसिबल होगा तो मैं डेली आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चॉइस ऑफ वेजिटेबल्स ले लीजिए, हो सके इतना ज़्यादा वेजिटेबल्स लीजिए। मैंने यहाँ पे गाजर, फ्रेंच बीन्स, मेरे पास बेबी कॉर्न पड़ा था वो, कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, थोड़ी सी पालक, अगर आपके पास मटर है तो आप मटर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद है। और मैंने ग्रीन चिली भी ली थी तीखी वाली, और अदरक, आपको तीखा कितना खाना है उसके हिसाब से आप वेजिटेबल्स और आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। इस वाली रेसिपी में ब्रोकोली भी बहुत अच्छी लगती है, गोभी भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप कभी वो भी ट्राई कीजिए। आलू मत यूज़ कीजिए, आलू डाइट में नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे जो हार्ड वाली सब्ज़ी है वो मैंने पहले ऐड की है और 5 मिनट में इसे ओनली कुक करूँगी। और पानी के अंदर हम बॉइलिंग वाटर में नमक और हल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने गाजर और बेबी कॉर्न वगैरह ऐड कर दिया था, तो उसके 5 मिनट बाद डालेंगे टमाटर, प्याज और ग्रीन चिली वगैरह। पालक हम एकदम लास्ट में डालेंगे क्योंकि पालक बहुत जल्दी कुक हो जाती है, और पालक को अगर हम ओवर कुक करेंगे तो उसका जो कड़वापन है वो टेस्ट आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो पालक आप एकदम लास्ट में ऐड कीजिए। तो यहाँ पे ये सारी सब्ज़ी ऐड करने के बाद इसको मैं ढक के और 5 मिनट कुक करूँगी। तो पहले हमने 5 मिनट कुक किया था, बाद में हमने 5 मिनट मतलब हो गए हैं 10 मिनट। 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने अदरक डाला है ग्रेट करके, अगर आप चाहो तो बारीक टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट पसंद है तो। और यहाँ पे देखिए ये वाले ओट्स है, ये नॉर्मल ओट्स है और इंस्टेंट ओट्स है, आप चाहो तो रोल ओट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट रोल ओट्स को कुक होने में टाइम लगता है तो ये फटाफट से बन जाती है। अब यहाँ पे ओट्स डाल के मैं ऐड करूँगी पानी, क्योंकि ओट्स है वो बहुत पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे इसको टेस्टी एंड हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मैगी मसाला। मैगी मसाला ऐड करेंगे ना, माय गॉड, इसका जो टेस्ट है ना, आप बोलोगे कि यही वाली रेसिपी मैं रोज़ खा सकती हूँ। दिन में 2 बार भी अगर आप बनाओगे ना तो भी आपको ना कभी भी ये वो नहीं होगा कि चलो मुझे, मैं थक गई हूँ ये खाना खा खा के। तो मैगी मसाला मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैकेट पड़ा था, अगर आपके पास नहीं है तो वो जो रेडी पैकेट भी मिलता है ना वो भी चलेगा, तो वो भी एक आप पैकेट इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अब लास्ट में ऐड कर दीजिए पालक, 2 ही मिनट कुक कीजिए और हरा धना डाल के इसको अच्छे से गार्निश कीजिए। तो लीजिए रेडी हो गई हमारी ऑयल फ्री ओट्स की रेसिपी। ये रेसिपी आप जो भी बोल दो, ये वेजिटेबल ओट्स बोल दो, ऑयल फ्री रेसिपी बोल दो, वन पॉट मील बोल दो, कुछ भी आप बोल सकते हैं, यकीन मानिए ये बहुत अच्छी बनी थी। मैं ये जब भी डाइट करती हूँ तो रेगुलर खाती हूँ। और उसके साथ ले लीजिए कोई भी फ्रूट्स, अभी आ रहे हैं ड्रैगन, तो मैंने यहाँ पर ड्रैगन लिया है, आधा ड्रैगन मैंने यहाँ पे कट किया है। ड्रैगन भी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी डाइट में खा सकते हैं आप। तो लीजिए ये मेरी डाइट की थाली रेडी हो गई है, और उसके साथ मैं लूँगी बटर मिल्क। बटर मिल्क मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा ऐड किया है और साथ में थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालूँगी, और घर की बनाई हुई मैंने यहाँ पर छाछ ली है। तो ये रेसिपी आप इसके साथ साथ आप सैलड भी खा सकते हैं, बट अभी मेरे पास ककड़ी वगैरह कुछ नहीं था तो मैंने नहीं खाया, वरना आप ककड़ी है, गाजर है, साइड में भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ, प्रहान सो गया है और अभी बजे है ऑलमोस्ट 2। मेरा लंच का टाइम थोड़ा लेट रहता है और इसके पापा तो बहुत लेट आते हैं, 3 बजे के बाद ही आते हैं। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं लंच। Gracias.
यहाँ पे मेरे हस्बैंड की थाली भी मैंने बना दी है। यहाँ पे चूड़ा फली की सब्ज़ी है, प्रहन ने आज थोड़ी सी सब्ज़ी खाई थी तो उसकी भी सब्ज़ी पड़ी थी तो वो भी दे दी है। रोटी, बटर मिल्क और पापड़ और सलाद, और इसके साथ साथ वो दूध भी पियेंगे लास्ट में। तो लंच करने के बाद एक आध घंटा जितना मैंने रेस्ट कर लिया था और शाम को निकल गई थी मार्केट में। तो ये था मेरा सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का एक डेली रूटीन। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।